फिरोजाबाद स्टेशन रोड प्रजापति धर्मशाला में मीटिंग की गई, जिसमें अध्यक्षता कर रहे शिवचरण प्रजापति ने कहा कि हमारे समाज में शिक्षित बहुत कम है। जिस समय नवयुग शिक्षित हो जाएंगे उस समय प्रजापति समाज जाग जाएगा। साथ ही भगवान दक्ष प्रजापति जी की जन्म जयंती आयोजित की गई। वहीं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र प्रजापति, कोषाध्यक्ष देव प्रजापति, महामंत्री रंजीत प्रजापति, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार द्वारा सभी शहर के गणमान्य प्रजापति लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राजा यादव की ये रिपोर्ट। भगवान दक्ष प्रजापति की जो प्रजापति इसमें धर्मशाला में जो मीटिंग की गई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और आज का जो प्रोग्राम है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आज के दिन हमारे भगवान दक्ष का जन्म हुआ था, आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं सभी लोग। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय श्री चंद्रलाल वर्मा जी कर रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश प्रधान, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का दोनों ने आज शुभारम्भ किया है। दरअसल क्या है कि हमारे समाज में आज एकता की बहुत कमी है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की जन्मस्थली मनाते हैं और तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनमें एकता है। आज हमारा समाज अज्ञानता, गरीबी और धन के वजह से पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ शिक्षा का भी बहुत अभाव है, अच्छे अधिकारी पदों पर हमारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उसके पीछे शिक्षा का अभाव, एक आपस में एकता न होना। किसी भी समाज को एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आज हमारे समाज में एक नेतृत्व नहीं बन पा रहा है। हर संस्था अपने प्रदेश स्तर से हो, चाहे जिला स्तर पर हो, कोई शहर ऐसा बाकी नहीं है जहां चार चार पांच पांच संगठन न खड़े हैं। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रदेश अध्यक्ष लिखना चाहता है। अमरपाल जी, प्रदेश में सारे आईपीएस हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे, मगर आज तक फिरोजाबाद की अगर बात करें जिले की, तो नगर निगम है वो मूर्ति आज तक धूल चाट रही है, क्या लग पाएगी? नहीं, उस मूर्ति के बारे में हमने काफ़ी प्रयास किया और हमारे प्रयासों से ही, प्रजापति कल्याण समिति के प्रयासों से उस समय वो मूर्ति यहाँ आई। असीजा जी से भी मिले थे, असीजा जी ने उस समय हमसे कहा था, एक बार उसको दुग्ध वगैरह से उसको स्नान भी कराया गया, लेकिन तब तक जो ऊपर से आदेश आ गया किसी नई मूर्ति को नहीं लगाया गया। इन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमने कई बार डीएम साहब से भी मिले हैं, पूर्व डीएम से भी मिले हैं, उन्होंने यही कहा कि हम आपका जो प्रार्थना पत्र है मूर्ति लगाने का, हम शासन को भेज देते हैं या सीएम कार्यालय के द्वारा अनुमति आ जाएगी तो हम आपकी मूर्ति को कहीं न कहीं लगवा। अभी तक आदेश नहीं आए?